गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो प्लस वन में हो आप सभी। टुडे आई विल गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज। इक्वालिटी तो आपने पढ़ी हो, लीनियर इक्वालिटी पढ़ी हो। इक्वालिटी तो लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर है। लीनियर का मतलब समझते हैं, जिसमें डिग्री जो होगी, डिग्री किसकी वाला, वेरिएबल्स की, एक्स एंड वाई की, वेरिएबल्स की, वेरिएबल की इज लीनियर लाइन वन होगी। वन क्वाड्रेटिक डिग्री टू लीनियर डिग्री वन। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी से भी आप फैमिलियर हो। इक्वालिटी क्या होती थी, इक्वल टू साइन। इनइक्वालिटी क्या होती है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से। तो आज हम इस टॉपिक के लिए चलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, लीनियर मतलब डिग्री वन और इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू को छोड़ के, जो इक्वल टू वाले थे उसकी बात नहीं करेंगे। आराम से अपना लेक्चर सुनना है, ठीक है, फिर थोड़ा सा काम दिया जाएगा, उस काम को करना है। तो आज पहला लेक्चर है आपका। चलो इस तरह से ही सही, फेस टू फेस तो जब होंगी बात तब देखेंगे। फिलहाल अभी पहले लेक्चर दे दें, फिर मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा। जूम ऐप पे मीटिंग में आप मुझसे ऑनलाइन डाउट ले सकते हो, पर जो लेक्चर वो रिकॉर्डिंग ही ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई बार जूम ऐप पे कनेक्शन ना आए, इंटरनेट ना आए, नेट कनेक्शन ना हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाती है। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास चल जाएंगे। हम व्हाट्सएप के थ्रू टेलीफोनिकली हम लोग क्या कर लेंगे, अपने डाउट्स को ले लेंगे, ठीक है जी। चलो तो आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़े थे। उससे पहले हमें थोड़ा सा जो हमें चाहिए होता है टेंथ क्लास तक जो आपने पढ़ा होता है, नंबर सिस्टम, पहले इसको कर लें, फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेंगे। नंबर सिस्टम आपको पता ही है, हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, डिजिट्स, रियल नंबर, ये सारे कुछ हमारे पास होता था। एंड हमारे पास इसके साथ क्या, इनकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनकी क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक बार सीखेंगे, फिर हम इनको क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। तो काम आपको करना है साथ साथ, अभी पहले लेक्चर सुन लो, बीच में नोटबुक और पेन रख लीजिए अपने साथ, जब कुछ काम दिया जाएगा आपको उसको अपनी नोटबुक पे करिए, ठीक है, सभी ने करना है, बाद में काम चेक होगा जब आप मिलोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साथ साथ चलाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, नंबर सिस्टम। तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमें पता है हम कैसे लिखते थे, जो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 7 होते थे। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बना लेते हैं। ये रियल नंबर लाइन होती है, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोलते हो, 0, 1, 2, 3, 4 आगे बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कितना है, 1, 2, 3, 4। तो 1 पे हम क्या लगा देंगे, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल इनइक्वालिटीज, या इस टॉपिक में ध्यान रखना, या पूरे मैथ में इस बात को ध्यान रखना, क्या जो डार्क सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 इज इंक्लूडेड। डार्क सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 इज इंक्लूडेड, 1 इंक्लूड है, ठीक है। 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, 3 भी है, 0 तो नहीं है, नहीं, -1 तो नहीं है, नहीं, बिकॉज दे आर नॉट अ नेचुरल नंबर। अब 4 है, अब आप पूछेंगे सर मुझे 5 भी करना है, लिख दिया, 6 भी करना है। इसमें तो हम कैसे करते हैं, जब नंबर लाइन में आज तक लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 7, यही बोलते हैं ना, अप टू 7 डैश डैश डाल देते हैं। तो सर इसमें भी क्या मैं सिर्फ डैश 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 डाल दूंगा, नहीं। तो सर नंबर लाइन पे कैसे लिखूंगा, अभी तक 4 नेचुरल नंबर हमने लिखे हैं, 1,
पे डार्क, टू पे डार्क, थ्री पे डार्क, फोर पे डार्क, डार्क सर्कल क्या होता है, वन इज इंक्लूडेड, टू इज इंक्लूडेड, थ्री इज इंक्लूडेड, फोर इज अप टू सेवन क्या डालते हैं, नंबर नाइन से ऊपर हम दो तीन डॉट डाल देते हैं, जैसे इसमें डैश डालते हैं ना, गिन के तो नहीं डालते हो, तीन डाल दें, चार डाल दो, पांच डाल दो, छह डाल दो, सात डाल दो, कितने भी डाल दो डैश डैश, ऐसे इसमें क्या करेंगे, एक दो तीन अप टू सेवन, कम से कम तीन डॉट डाल दो, चार डालने, चार डाल दो, पांच डाल दो, छह डाल दो, कितने भी डाल सकते हो, चार भी डाल सकते हो, तो फिर वही बात कही है, तीन तक आप डाल दो तो ये क्या हो गए, सारे नेचुरल नंबर, वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन। ये मतलब क्या है, सोचो ये क्या बता रहा है, ये अप टू सो ऑन, इसका मतलब ये होता है, जैसे इसका मतलब होता है अप टू सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। फिर दूसरा है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर था, फिर दूसरा हमारे पास, दूसरा नंबर क्या होता है हमारे पास, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते थे, हाँ जो जीरो से स्टार्ट होते, जीरो वन टू थ्री फोर अप टू सो, तो इसमें समझ गए होंगे होल नंबर को हमने कैसे डालना है। अब जीरो है, माइनस वन है, टू है, थ्री है, तो जीरो पे आता है, वन पे आएगा, टू पे आएगा, थ्री पे आएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपके पास कौन से भला, इंटीजर। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, फिर होल नंबर को डब्ल्यू से, पर कुछ बुक्स अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना है, प्लस वन में कुछ बुक्स देखोगे तो फिर नेचुरल के साथ वो एक और डंडा सा लगा देती है, कह सकते हैं एक लाइन और लगा देती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल के साथ वो इस तरह से चल देते हैं, इंटीजर के साथ जैसे जेड से हम वैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जनरली जेड से हम डिनोट करते हैं, आई से भी कर सकते हो, जेड से आई से, तो ये भी इंटीजर की नोटेशन। अगर ऐसा कहीं देखो जनरली फॉरेन ऑथर की बुक्स में या कॉम्पिटिटिव बुक्स में वो ऐसे लिखा हुआ आता है जेड को, ठीक है, तो जेड हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में ऐसे लिखा आता है, या फिर आई की फॉर्म में होता है, आई, आई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई की फॉर्म में क्या होगा, सोचना आई की फॉर्म में इस तरह से, तो उससे कुछ नहीं बनाना, ये नोटेशन होती हैं, तो इनको हम जैसे कहने जैसे लिखा हो तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी ने ये वाले सारे सिंबल्स यूज किए हुए एन जेड, बाकी अगर किसी फॉरेन ऑथर की बुक में देखोगे तो ऐसे भी लिखे होते हैं। तो इंटीजर कौन से होते हैं, सब आपको पता ही होते हैं, इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, सोचो जरा, इंटीजर्स, हाँ, जिसमें नेचुरल भी सारे आते हैं, नेचुरल आने का मतलब वन टू थ्री, होल भी सारे आते थे पता है ना, माइनस वन माइनस टू सारे आते हैं पता है, फिर भी एक बार चलेंगे कोई लीनियर इनइक्वालिटीज में सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे भैया, इस तरह से लिख देंगे माइनस वन टू माइनस टू अप टू सो ऑन तक, जिन्होंने यहाँ थ्री लिखा है तो यहाँ भी थ्री लिखना है, ऐसा नहीं कह रहे, जीरो पे डार्क सर्कल जीरो भी है, वन पे डार्क सर्कल वन भी है, टू पे भी है, थ्री पे भी है, और फिर क्या आएगा, सो ऑन, इधर भी चलेगा बिल्कुल माइनस वन माइनस टू, ये भी क्या चलेगा अप टू सो ऑन। जूनी तीन डॉट लगाने, चार भी लगा सकते हो, इधर भी चार लगा सकते हो, इधर चार इधर तीन, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर ऑफ डॉट्स नहीं गिनने हैं, तो डॉट्स डार्क होने चाहिए बस इतना, बस आपके पास होना चाहिए। डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है, वो वाली वैल्यूज क्या है, इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या बोला, इंटीजर्स, नेचुरल होल इंटीजर्स, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने पढ़े हुए ना पी बाय क्यू फॉर्म के, तो रैशनल नंबर्स क्या होते थे याद करो, तीसरा है, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते थे, पी बाय क्यू फॉर्म के, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो वो क्या बन जाता है, सोचो जरा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम उसकी बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ है, फोर्थ किसको कर रहे हैं, अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। फिर मैंने वही बात बोली है, कुछ बुक्स वाले इसको कैसे नोट करते हैं, क्यू के साथ ये वाला भी लगा देते हैं सिंबल, तो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल में कौन कौन से आते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म के होते हैं, मतलब जो पी बाय क्यू फॉर्म के होते थे, जैसे आपके पास क्या आ जाते थे, अ नंबर, ऐसे पढ़े हुए ना आपने, अ नंबर ऑफ द, नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म के होते हैं, पी बाय क्यू,
वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो नहीं होता? क्यों नीचे वाला जीरो जो तो क्या होता था याद है? इन्फिनिटी. जैसे टेन 90 पढ़ा हुआ है आपने, टेन 90 डिग्री पढ़ा होगा ना टेंथ क्लास में, कितना होता है इन्फिनिटी. तो वो वाली बात होती है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए. तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं सोचो? नेचुरल भी सारे आ जाएंगे, होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, और भी आते हैं. हाँ, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 10/5 हो गया, एट्सेट्रा. रूट वाले नहीं आते थे, याद करो. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रूट रू रूट 3 रूट 4 ऐसे नहीं आते थे. जिसको हम क्या बोलते थे, और भी बोलते थे. हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, शाबाश. जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक कहते हो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ठीक बोलेगा कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं. टर्मिनेट का मतलब समझते हो? जो खत्म हो जाते हैं. जैसे हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5, तो खत्म हो गए 5 पे. मैंने डिवाइड कर दिया, मान लो किसको भला, 5 को 2 से 2.5, तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेट, जो टर्मिनेट हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक है डेफिनेशन. और बोलो और क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेट होते हैं और रीअकरिंग, शाबाश, जो रिपीट होते हैं वो भी कहते हैं. हाँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेट, ऐसे भी पढ़ा हुआ है, शाबाश ठीक बोल रहे हो, नॉन टर्मिनेट होते हैं एंड रीअकरिंग होते हैं. रीअकरिंग का मतलब समझते हो? जो रिपीट होते हैं, जो रिपीट होते हैं. रिपीट होने का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल है, 10/3 करो डिवाइड, 3.33333 अब तो चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे. तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग. ये क्या है? नॉन टर्मिनेट. टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट खत्म नहीं होना. एंड रीअकरिंग, जो बार बार रीअकर होते हैं. तो इनको हम क्या बोलते थे, कैसे लिखते थे इसको? शाबाश और 3.3 बार. या ये हो गया एग्जाम्पल है, 2.56565656. ये क्या हो गए? नॉन अप टू सोन. ये क्या हो गए? नॉन टर्मिनेट. टर्मिनेट नहीं हो रहे, टर्मिनेट. एंड एंड जो क्या होंगे सोचो, जो क्या होंगे? रीअकरिंग. रीअकरिंग मतलब बार बार अक्कर हो रहे हैं. इसको कैसे लेते हैं? 2.56 बार बार, समझते हो ना? बार. हाँ, बार का मतलब बार बार. इसको क्या पढ़ते थे बताओ? बार. इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? बार. बार का मतलब क्या होता है? बार बार, किसी चीज का बार बार आना. ठीक है, तो हम ये बात करते हैं. तो आपके पास क्या हो गए? रैशनल नंबर. इसकी नंबर लाइन, इसकी नंबर लाइन ही बनाते हैं. रियल नंबर लाइन होती है, नेचुरल बना दोगे, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर नहीं आते. रूट टू रूट थ्री नहीं होते हैं, वो पूरी नंबर लाइन होती है. तो फिर अगला क्या आएगा? इरेशनल नंबर. फिफ्थ कौन सा नंबर आ गया? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कौन से होते थे? रूट वाले या फिर इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर कौन से बोलते थे? नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट नहीं होते. एंड एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होंगे. जैसे क्या होता था? एग्जाम्पल, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव पाई. पाई भी क्या होता है? रैशनल. इरेशनल 22/7 जिसको तुम बोलते हो, वो भी इरेशनल नंबर होता है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. रूट फोर नहीं, रूट सिक्स रूट सेवन रूट नाइन नहीं, ये नहीं होंगे. ठीक है, फिर आते हैं आपके पास रियल नंबर. जो हमने अभी तक 10th क्लास तक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है आपके पास? रियल नंबर. रियल नंबर में क्या आएंगे? सारे नंबर सिस्टम में सारे आ जाएंगे. अब हम रैशनल को डिनोट कैसे करते हैं? क्यों से. इरेशनल नंबर को अभी बता रहा हूं, इसकी नोटेशन लिखी ना, अभी बता रहा हूं. देखो कैसे, पहले एक बार रियल नंबर देख लें. रियल नंबर याद है? रियल नंबर लाइन. रियल नंबर, रियल नंबर को कैसे नोट करते थे? आर से. या फिर कैसे नोट करोगे? इस आर से. एक ही बात है ना, समझ गया? अब ये आर बस एक आगे डंडा सा लगा देना है, एक आगे डंडा लगा दो बस. रियल के आगे ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है. इसको डिनोटेड बाय, तो मैंने बता दिया डिनोट कैसे करेंगे, आर से. कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर, जिसमें नेचुरल भी आते हैं.
पोल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं, जिसमें सारे आ जाते थे यही पढ़ते ना सारे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, ठीक है। अब मैं पहले इरेशनल की नोटेशन बता दूं, फिर इसकी नंबर लाइन बना दूंगा। मतलब अब खुद देखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या रियल नंबर में वन आता है? आता है। टू आता है? आता है। थ्री मतलब नेचुरल नंबर आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। होल नंबर आता है? आता है। इंटीजर आते हैं? आते हैं। रैशनल आते हैं? आते हैं। इरेशनल आते हैं? आते हैं। किसमें वाला? रियल नंबर में। अब सोचना, अब मैं रैशनल नंबर की बात करूं, रैशनल नंबर में क्या, रैशनल नंबर में इधर देखना, इधर देखना, क्या रैशनल नंबर में नेचुरल आते हैं? वन टू थ्री नहीं आते। होल आता है? नहीं आता। इंटीजर आता है? माइनस वन माइनस टू नहीं आते। रैशनल नंबर आते हैं? वन बाय टू माइनस टू बाय थ्री नहीं आते। रूट टू रूट थ्री आते हैं? आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरे रियल नंबर थे, रियल नंबर में से नेचुरल हटा दो, होल हटा दो, इंटीजर हटा दो, रैशनल हटा दो, तो कौन से रह गए? इरेशनल नंबर। तो ये सारे क्या कर दो, हटा दो रियल में से। हटाने का मतलब क्या हुआ, ये सारे नंबर क्या कर दो, कितना हटा दो, किसमें से? रियल नंबर में से। तो रैशनल को कैसे नोट करेंगे, सोचो अपने दिमाग से कैसे नोट करेंगे, सारे रियल में से, आर रियल, ये रियल है ना, रियल में से क्या हटा दो, माइनस, माइनस का मतलब एक्सेप्ट, छोड़ दो। कौन से छोड़ दो? रैशनल नंबर। इरेशनल निकाल दो तो क्या बन गए? इरेशनल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर माइनस, हाँ शाबाश शाबाश, आर माइनस क्यू से। तभी तो पहले बताया नहीं था, क्योंकि रियल नहीं पता थे, अब मैंने रियल बता दिए। रियल नंबर सारे, रियल में से क्या हटा दो सोचो, रियल में से आप लोग क्या हटा दोगे सोचो, रियल में से हटा दो, क्या हटा दोगे बताओ, सारे नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल, मतलब सारे रैशनल नंबर हटा दो। ये रैशनल होते हैं ना सारे सारे, पता ना, ये देखो ये वाले, ये हटा दो तो क्या बचेंगे, तो आर माइनस आर रियल एक्सेप्ट रैशनल, आर रियल एक्सेप्ट, बस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे सोचो, तो मैंने इसके लिए एक नंबर लाइन बना दी आपके लिए। इसमें क्या आ गया, जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू, क्या जीरो रियल होता है? होता है। वन रियल होता है? होता है। टू रियल होता है? होता है। सिर्फ यही होते हैं क्या? वन बाय टू रियल नहीं होगा? होगा। जीरो पॉइंट वन रियल नहीं होगा? होगा। जीरो पॉइंट टू नहीं होगा? होगा। जीरो पॉइंट थ्री, जीरो पॉइंट फोर, सारे ही तो रियल होंगे। वन से टू के बीच में कितने रियल होंगे? वन से टू में दस रियल नंबर होंगे। वन पॉइंट वन, वन पॉइंट टू, वन पॉइंट थ्री, वन पॉइंट नाइन, दस रियल नंबर होंगे? नहीं। कितने रियल होंगे? अनगिनत। अनगिनत क्या होता है? इन्फाइनाइट। क्यों? वन पॉइंट वन वन कहाँ जाएगा, वन पॉइंट थ्री वन कहाँ जाएगा, 1.444 कहां जाएंगे, वो भी तो बीच में आएंगे। 1.444, 1.56, 1.555 और 1.723, ये कहां जाएंगे, सारे बीच में ही आएंगे। तो कितने सारे होते हैं इसके बीच में रियल नंबर? अनगिनत। तो रियल नंबर दो नंबरों के बीच में, दो से तीन के बीच में कितने रियल नंबर हैं? अनगिनत। तो रियल नंबर में सारे होते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इतने सारे डार्क सर्कल लगाएंगे सर, इतने सारे डार्क सर्कल नहीं, तो हम क्या बना देते हैं इसको, जब हम रियल नंबर लिखते हैं जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू, इन सब को ये आ गया, तो जीरो भी होगा, होगा ये बीच वाले भी होंगे सारा, तो हम लाइन को ही डार्क कर देते हैं। सबको डार्क करने की बजाय, बीच में डार्क सर्कल बनाने की बजाय हम क्या कर देते हैं, डार्क लाइन। डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? रियल लाइन। इसको क्या बना देंगे? डार्क लाइन। डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑल शाबाश रियल नंबर। तो हम इसमें डार्क सर्कल की बजाय क्या बनाते हैं? डार्क लाइन। डार्क समझ के ना, थोड़ी सी लाइन को ज्यादा डार्क सा दिखा देना, दिस इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ये होते हैं हमारे रियल नंबर। नेचुरल भी हो गए, होल भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, रैशनल भी हो गया, इरेशनल भी हो गया, ये सारे नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं। अब एक बार फटाफट से हम थोड़ा सा डिजिट डिजिट पढ़ लें, फिर क्या हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है रियल नंबर, जो टेंथ तक पढ़े। क्या सर इससे बड़ा भी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो कौन सा चैप्टर है? फाइव। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर सिक्स है आपके हिसाब से एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में या एलिमेंट्स या कोई भी आप आरडी खोलें, उसमें कौन सा चैप्टर आएगा आपके पास? चैप्टर सिक्स, ठीक है। तो उसमें एक इससे बड़ा भी नंबर सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, जो हमारी इमेजिनेशन में होगा, जो हमारी सोच में होता है। हम सोचें कि ऐसा भी क्या कोई नंबर होता है, तब हम वो टॉपिक करेंगे, तो उसको चीज को समझाएंगे। अभी फिलहाल इसको पढ़ने, फटाफट से थोड़ी सी आगे बातें पढ़ने, क्या डिजिट्स।
डिजिट्स हमें जरूरत पड़ती रहती है मैथ में, तो डिजिट्स कितने होते हैं टोटल? नो, गलत, सो गलत, कितने टोटल? 10 डिजिट्स होते हैं। ये टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। क्यों 10 हैं? क्योंकि जीरो भी तो एक डिजिट है, जीरो भी तो एक डिजिट है, भूल गए हो, जीरो भी तो एक डिजिट है। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 भी एक डिजिट है? नहीं, 10 क्या है? 11 भी एक डिजिट है? नहीं, 9 तक है। 10 क्या बोलते हैं इसको? नंबर। दो डिजिट मिल जाए तो क्या बोलेंगे? नंबर। तो डिजिट्स हैं। फिर अगले आपको क्या पढ़ते हैं? प्राइम नंबर। ऑड इवन तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता ही है ऑड नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात, जिसके दो फैक्टर होते हैं, बस एक खुद और एक कोई और हो वो अलग बात है, बस हैविंग टू फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब टुकड़े, उसके दो फैक्टर्स होंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर दो ले लो, दो के दो फैक्टर हैं, एक वन और एक टू। थ्री लो, थ्री के दो फैक्टर हैं, वन और थ्री, शाबाश। फोर के फैक्टर हैं, वन तो है ही है, फैक्टर का मतलब समझते हो? वन, टू वन से डिवाइड हो जाएगा, ये होता है फैक्टर का मतलब। टू जो होता है किससे डिवाइड हो जाएगा, सोचो, वन से। वन टू द टू, रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो, तो वन इसका फैक्टर है। टू टू से भी डिवाइड हो जाएगा, सोचो, टू वन द टू, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो, तो टू इसका फैक्टर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टर। तो फोर के कौन कौन से फैक्टर हो गए? फोर वन से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फोर टू से डिवाइड होता है, हो जाता है। फोर किससे डिवाइड होता है? फोर से भी। तो इट इज नॉट अ प्राइमरी प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है? हाँ है, ये प्राइम नंबर है। फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। फाइव, फाइव प्राइम नंबर होगा? हाँ होगा। तो ये प्राइम नंबर होता है, उसका फैक्टर दो ही होंगे। सिक्स प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिक्स प्राइम नंबर बताओ? क्योंकि सिक्स के फैक्टर कितने बनेंगे? वन, टू से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी, सिक्स से भी, ये नहीं होगा। वन होगा, अच्छा प्राइम नंबर वन होगा? नहीं, वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन का एक ही फैक्टर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। जीरो, माइनस वन, माइनस टू, नहीं, माइनस वन भी नहीं, जीरो भी नहीं। तो कौन से होते हैं प्राइम नंबर, सोचो, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? ठीक कह रहे हो, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, नाइन होगा क्या? नहीं भाई, नहीं। थर्टीन, फिफ्टीन होगा? गलत है। सेवनटीन, नाइनटीन, एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब किसकी बात करेंगे? कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करेंगे? कंपोजिट नंबर की। एट, सॉरी, एट तक बता दिया था, नाइन्थ, नाइन्थ तो हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा हो। दैट मीन्स हैविंग थ्री, तीन और मोर फैक्टर्स। फैक्टर तो समझ आ गया ना, जिससे वो डिवाइड होता हो, ठीक है। रियल नंबर पता चल गया था? रियल नंबर पता चल गया? क्या मतलब डार्क लाइन? डार्क लाइन का मतलब समझ गए हो? सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि दो नंबरों के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? नौ होते हैं ना, 1.1, 1.2, नौ होते हैं ना, 1.1, नहीं सर, नौ से ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं सर? 1.11 कहाँ जाएगा सर? 1.1113 कहाँ जाएगा सर? 1.1115 कहाँ जाएगा सर? 1.234 कहाँ जाएगा सर? तो कितने होते हैं? 10, 20, नहीं, कितने होते हैं इसके बीच में नंबर? रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब कर दो रब, तो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ध्यान रखने, ठीक है। थ्री और मोर फैक्टर, जिसके अब बात कर रहे थे हम, तीन और मोर ज्यादा फैक्टर, जैसे फोर है, फोर के कितने फैक्टर हैं? वन, टू और फोर। सिक्स के कितने फैक्टर हैं? वन, टू, थ्री और सिक्स, ये कॉम्पोजिट होते हैं। फाइव के कितने फैक्टर हैं? दो ही हैं, नहीं आएगा। वन के कितने फैक्टर हैं? वन, नहीं आएगा। टेन के कितने फैक्टर हैं? वन, टू, फाइव और टेन, ये सारे क्या होते? कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हो गए बताओ? कोई बोलो पहला। फोर शाबाश, सिक्स शाबाश, सेवन नहीं, एट शाबाश, नाइन शाबाश, टेन शाबाश। मतलब प्राइम को छोड़ दो, प्राइम नंबर छोड़ दो तो कॉम्पोजिट होते हैं। तो कहते हैं का मतलब वन इज नीदर या नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये बोल सकते हो। कॉम्पोजिट क्या होते हैं? आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी समझ सकते हो, याद रख सकते हो। क्या होते हैं कॉम्पोजिट बताओ? शाबाश, विच आर नॉट प्राइम, ठीक है। अब हम अगला लेक्चर करेंगे ना, ये लेक्चर वन था, लेक्चर टू में जब जाएंगे, लेक्चर सेकंड में, ये मैंने आपको सारा बता दिया, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। लेक्चर टू में जब हम जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज के साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, वो कैसे होती हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, जो अगला टॉपिक होगा हमारा, टॉपिक होगा
इनइक्वालिटीज के ऊपर, क्या मतलब ये कौन सा साइन होता था शाबाश, लेस देन का, लेस देन मतलब छोटा, ये कौन सा साइन होता था ग्रेटर देन का, ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे। पहले तुम ये पढ़ लो, फिर अगला लेक्चर मेरा कंटिन्यू कर लेना, उसमें मैं तुम्हें समझा दूंगा लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास, ठीक है, और इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है, और एक इंटरवल जो आएगा उस चीज़ को मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो चलो आप इसको पढ़ लो, आपका आज फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा इसको पढ़ना स्टार्ट करो, आ जाएगा समझ में, धीरे 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 करेंगे, पता ही है 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिस मर्जी आप स्कूल में हो, इनइक्वालिटीज का टॉपिक कितने नंबर का आता है मैं बता दूंगा, आपके पास 6 to 7 मार्क्स का आएगा फाइनल एग्ज़ाम में, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में सारे टॉपिक आते हैं ना, यूनिट टेस्ट तो ये अगर इनइक्वालिटीज का तो 6 नंबर का भी बन सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आप इस बात को थोड़ा सा पढ़ लो ताकि आपके पास क्या रहे, लीनियर इनइक्वालिटीज की बात रहे। तो अब मैथ की बुक कौन सी लेनी है देख लो, आपके जो स्कूल में लगती है एनसीईआरटी लेनी है या एलिमेंट्स लेनी है या कोई और, तो देख लीजिएगा, मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन देता रहूंगा साथ साथ थोड़े थोड़े, फिर आप उसको ट्राई कर लेना, अभी फिलहाल नहीं दिया, अभी आप इसको पढ़ लेना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे चलूंगा, ठीक है। लास्ट वाले में किसी ने कुछ पूछना है भाई, कुछ पूछोगे, चलो ठीक है, थैंक यू, अगले लेक्चर में देख लेते हैं, चलो।